सलमान भाई भी बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से गाइडेंस दी. नेचुरल बॉन्ड बनी थी वो अभिषेक के साथ. फुकरा इंसान बहुत सही खेल रहा है वो, बहुत रियल है बंदा. मतलब मैं उससे काफी रिलेट कर पाई. सो या एक्स बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे मौजूद थी जिया शंकर. पिक्चर अभी बाकी है मेरे पास. मैं तो ऑल द वे अभिषेक को सपोर्ट कर रही हूँ, बिकॉज वो जो बंदा खेल रहा है वो रियल है, मुंह पे है जो है, एंड वो मेरे साथ हर चीज में खड़ा था. चाहे मेरे वो कॉफी का पछड़ा हुआ उसमें खड़ा था, पूजा मैम को लेके भी थोड़ा हुआ था, वो भी मेरे साथ खड़े थे पूरा टाइम. एंड आई थिंक वो जो बंदा खेल रहा है पूरा ट्रांसपेरेंट खेल रहा है. एक वायरल हो रहा है मनीषा रानी के साथ में आपका. कौन सा वाला है वो? आज के तो उन्होंने आलिया भट्ट के बारे में कुछ बातें तय कर दिया. अच्छा, बहुत ही अच्छी लड़की है वो, बहुत दिल की बहुत साफ है, मुझे बहुत अच्छी लगी. थैंक यू. बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत अमेजिंग था. काफी सालों का ड्रीम था, पूरा हुआ फाइनली. बहुत अच्छा. इनफैक्ट जब थोड़ा स्टार्टिंग में एंट्री हुई तो काफ़ी धमाकेदार हुई, एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे वैसा, बट काफ़ी उन्हें गाइड किया काफ़ी चीज़ों को लेकर. सो अच्छा एक्सपेक्ट कैसा लगा बॉस का घर? बहुत अमेजिंग. मैं घुसी है ना उस सलमान भाई. हाँ सलमान भाई. सलमान भाई भी बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से गाइडेंस दी. घर बहुत सुंदर है, उन्होंने काफ़ी पुरानी चीज़ों को लेकर घर बनाया है, यू नो, बेस्ट आउट ऑफ प्लेस. तो वो देख कर मैं काफ़ी काफ़ी इम्प्रेसिव था. मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट तो वो था, वो जो अल्फाबेट्स पड़े हुए थे कॉर्नर में, हम वहीं बैठ के मंडली बना के बैठे रहते थे, गपशप करते थे सब लोग. फेवरेट कौन है तुम्हारा फेवरेट? हां मेरा तो आई थिंक पहले से ही मेरी जो नेचुरल बॉन्ड बनी थी वो अभिषेक के साथ. फुकरा इंसान बहुत सही खेल रहा है वो, बहुत रियल है बंदा. मतलब मैं उससे काफी रिलेट कर पाई. सो या बट उसके साथ मेरी दोस्ती वापस हो गई. आई थिंक ये मंच मिला तो कहीं ना कहीं हमारी बातें नहीं हो पा रही थी, तो मंच की वजह से हम वापस रियूनाइट हो गए. अभिषेक के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा हो रहा था, बट पिक्चर अभी बाकी है. थोड़ा पेशेंस रखिए. आई डोंट नो ऑनेस्टली, बट मैं होप करूंगी अगर वो चांस मिला तो क्यों नहीं. तो मैं बस यही कहूंगी कि वेट फॉर इट. सही बताऊँ तो मेरे लिए, मैं ही खुद एक कॉम्पिटिशन थी. मैं एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ गई थी, एक क्लीन स्लेट के साथ गई थी. मेरा कोई गेम प्लान नहीं था. अगर आप लोगों ने एपिसोड भी देखे होंगे तो आई वेंट इनसाइड विद अ वेरी क्लीन स्लेट. बहुत ही एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ मैं गई थी. तो मैं खुद की कॉम्पिटिशन थी, रोज अपने साथ मुझे कम्पीट करना था. सो हाँ, बट जर्नी बहुत अमेजिंग थी जितनी भी थी. बट लेट्स वेट फॉर द बेस्ट नाउ. इतने जन आपके बेस्ट फ्रेंड बने सबके साथ, आपके साथ मैं तो ऑल द वे अभिषेक को सपोर्ट कर रही हूँ, बिकॉज वो जो बंदा खेल रहा है वो रियल है, मुंह पे है जो है, एंड वो मेरे साथ हर चीज में खड़ा था. चाहे मेरे वो कॉफी का पछड़ा हुआ उसमें खड़ा था, पूजा मैम को लेके भी थोड़ा हुआ था, वो भी मेरे साथ खड़े थे पूरा टाइम. एंड आई थिंक वो जो बंदा खेल रहा है पूरा ट्रांसपेरेंट खेल रहा है. एक क्लिप वायरल हो रहा है मनीषा रानी के साथ में आपका. कौन सा वाला है वो? आज के तो उन्होंने आलिया भट्ट के बारे में कुछ बातें तय कर दिया. मुझे मैंने शायद वो मीम देखा नहीं है, बट बहुत ही अच्छी लड़की है वो, बहुत दिल की बहुत साफ है, मुझे बहुत अच्छी लगी. थैंक यू पलक मैम. पीछे इनकी टिकट.